बीच हमारे दादा जरा आईसीयू में भर्ती हो गए थे। कोई बचने की उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो फिर यहाँ मन्नत वन्नत मांगी आकर, तो अब वो सही हो गए, आईसीयू से निकल गए बाहर और घर भी आ गए, छुट्टी हो गई उनके अस्पताल से। कितने सालों से आप टेंपल आ रहे हैं? जब हम छोटे थे, छोटे छोटे जब से आ रहे हैं, अपने दादा के साथ आते थे। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र भी 17 साल है। तो आपके जीवन में हनुमान जी ने ऐसे क्या अनुभव या कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे आपकी आस्था बढ़ी? अभी बीच में हमारे दादा जरा आईसीयू में भर्ती हो गए थे। कोई बचने की उम्मीद नहीं थी कि नहीं बचेंगे, तो फिर यहाँ मन्नत वन्नत मांगी आकर, तो अब वो सही हो गए, आईसीयू से निकल गए बाहर और घर भी आ गए, छुट्टी हो गई उनके अस्पताल से। और भी परेशानी हो गई थी, मतलब जैसे हमारी कुछ गाड़ी वगैरह थी वो भी चली गई थी, अब भगवान की कृपा से जो हमारा बाहर गया था, बहुत परेशानी आ गई थी, ज़्यादा कर्जा हो गया था कुछ, अब जब से यहाँ आने लग गए तो कर्जा वर्जा सब उतर गया। वो कैसे लगता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? मैं रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मतलब खाना पीना बाद में होता, हमारे पहले पाठ होगा उसके बाद खाना पीना होगा। इससे जैसे जैसे हम मेरा पढ़ाई में पहले ध्यान नहीं लगता था, अब ध्यान ज़्यादा लगने लग गया है पढ़ाई में, और अच्छे नंबर भी आने लग गए हैं इसी के चक्कर में।